हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही आलू। दही आलू बनाने के लिए हमने यहाँ पे पोटैटोज़ लिए हैं और उनको 1/2 स्लाइस करके यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमने यहाँ पे दही आलू बनाने के लिए लगभग 500 ग्राम पोटैटोज़ लिए हैं जिनको 1/2 करके दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पे बेबी पोटैटोज़ यूज़ करते हैं, ड्यू टू लॉकडाउन के कारण मार्केट में नहीं मिलने के कारण मैं आज ये बड़े पोटैटो ही यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट जब रेसिपी बनाएंगे तब हम बेबी पोटैटोज़ यूज़ कर लेंगे। तो आज हमारी रेसिपी है दही आलू। चलिए बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। दही आलू बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 150 से 200 ग्राम दही लिया है। हम इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। हमने यहाँ 1 स्पून इसके अंदर टर्मरिक पाउडर डाल दिया है। यहाँ पे हमने 1 स्पून बड़ी चम्मच रेड चिली लिया है। यहाँ पे हमने 1 स्पून धनिया पाउडर लिया है और यहाँ पे हमने 1 स्पून जीरा पाउडर लिया है और यहाँ पे हमने 1 स्पून गरम मसाला लिया है MDH का। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारे मसाले का मिक्सर रेडी है। दही में हमने सारे मसाले इसलिए मिक्स कर दिए ताकि, क्योंकि हम जब गर्म दही यूज़ करते हैं तो ऑयल में डालते हैं सीधा, तो दही फटने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हमने सारे मसाले इसी में यूज़ कर लिए हैं। चलिए हम अब बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। हमने यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई के हम मतलब तेल ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम पोटैटोस हैं हमारे, उनको फ्राई करेंगे। हमने 2 बड़े स्पून इसमें ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर पोटैटोस को फ्राई कर लेंगे। हमें इनको लाइट ब्राउन करना है। जब तक लाइट ब्राउन नहीं रहे तब तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे। इनको हल्का हल्का घुमाते रहिए ताकि पोटैटोस नीचे चिपके ना। जैसा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे पोटैटोज़ ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी हमारे पोटैटोज़ ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। हम बनाने के प्रोसेस पे चल रहे हैं। अब सब्जी बनाने के लिए हमने वही तेल यूज किया जिस तेल को हमने जो फ्राई किया है, उसके अंदर हम 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, साथ ही साथ जीरा डाल देंगे इसके अंदर। अब इसमें हम हींग डाल देंगे थोड़ा। साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। दो ग्रीन चिली डाल देंगे इसमें साथ ही साथ। और यहाँ हमने एक रेड रेड ऑनियन लिया है, रेड ऑनियन डाल देंगे। अब हम ऑनियन इसको पकाएंगे, लाइट ब्राउन कर लेंगे ऑनियन को। लाइट ब्राउन ऑनियन करने के बाद जो हमने मसाला बनाया था दही के अंदर, जो सारे मसाले डाले थे, वो इसको लो फ्लेम पे करके डाल देंगे। हल्का सा हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। फिर हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर जो हमने दही का और उसको पेस्ट ये पेस्ट डाल देंगे और गैस एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पे या बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही हम इसके अंदर कर्ड डालेंगे तो बार बार हिलाते रहेंगे, नहीं तो दही फटने के चांसेस रहते हैं। गैस को हम लो फ्लेम पे रखेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। जब तक इसको हम पकाते रहेंगे तब तक ऑयल पूरी तरीके से अच्छे से बाहर नहीं आ जाए। पूरी तरीके से सारा ऑयल बाहर आ चुका है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ऑयल अच्छे से पक चुका है। अब जो पोटैटोज हमने फ्राई करके रखे थे उसमें हम फोक की सहायता से हल्के हल्के छेद कर लेंगे।
फोक की सहायता से छेद कर लेंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से इनके अंदर चली जाए अंदर तक, नहीं तो आलू कभी कभार क्या होता है कि फीके फीके से बनते हैं। पोटैटोस के अंदर छेद कर लेंगे। इसमें हम जैसे कि हमने पोटैटो डाल दिए हैं, हम इसको हम मसाले में थोड़ी देर हल्का सा पकाएंगे, उसके बाद पानी डाल के बॉईल कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालकर अच्छे से पका लेंगे और हम हल्का सा सॉल्ट डाल देंगे। जब हमने थोड़ा ही सॉल्ट डाला था, बाकी सॉल्ट अब हम यहाँ पर डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालकर अच्छे से पकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, धीरे धीरे पानी कम हो गया है और हमारी ग्रेवी थिक होती जा रही है। कुछ ही समय बाद हमारे दही आलू बनकर तैयार हो जाएंगे। दही आलू की सब्जी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दही आलू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, आपके सामने प्रिपलेटेड है। एंजॉय करिए हमारी रेसिपी के साथ, घर पे बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो हम उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको न्यू अपडेट मिलती रहेगी, हम नई नई रेसिपीज़ के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।